जय हिंद मेरे भाई। तो आज जीरो टू हीरो सीरीज का 12वां दिन है और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइंग पुशअप यानी सुपरमैन पुशअप। क्यों काफी मेरे भाई लोग ना चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं आज आप कुकी पुशअप कैसे करते हैं जी, कमांडो पुशअप कैसे लगाते हैं, चुम्मा पुशअप कैसे करते हैं। तो भैया ये सब पुशअप करने के लिए सबसे पहले अपना एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बाहर निकालना होगा, मतलब उछालने वाला ताकत बाहर निकालना होगा। और ये कैसे निकलेगा, फ्लाइंग पुशअप से, उड़ने वाला पुशअप से। तो आज मैं आपको यही 5 स्टेप में सिखाऊंगा कि ये कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्लाइंग पुशअप सीखने से पहले भैया आपका छाती में दम देख रहे हैं, आपके पास गुदा देख रहे हैं कि आप इसके लिए बने हैं कि नहीं, कैसे हल्ला कर ले भैया हम तो फ्लाइंग पुशअप सीखेंगे, लड़की को इंप्रेस करेंगे, लड़की का मम्मी को पटा लेंगे। तो भैया हल्ला करें कुछ फायदा नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। तो करना है नॉर्मल पुशअप 30 से 35, अगर आप कर लेते हैं तब हम समझेंगे कि हाँ आप फ्लाइंग पुशअप के लिए बनी है और आपको वही वाला स्ट्रेंथ आपको उस चीज में हेल्प करेगा। तो अगर कर लेते हैं तो आइए काल नमक चट कर करते हैं। पहला स्टेप कौन चीज है, नॉर्मल पुशअप। देखिए जैसे आप लोग नॉर्मल पुशअप करते हैं ना जी, तो इस बार नॉर्मल पुशअप नहीं करना, हम लोग करेंगे हवाई यात्रा वाला पुशअप कर रहे हैं। देखिए हल्का छोड़ेंगे, बस इतना छोड़ेंगे। ये जमीन का है, ये कांटा है, कांटा से दूर रहना है, कांटा लगा है, नहीं कांटा नहीं लगेगा तेरी बहन का। इस तरीके से आपको लगातार 10 से 15 बार करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि जब हम फ्लाइंग पुशअप करेंगे और जब झटका लगेगा तो मेरा कहाँ कहाँ लगता है और मेरा स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ लगेगा, आपका यहाँ लगेगा, आपका यहाँ लगेगा और आपको थोड़ा मोड़ा यहाँ लगेगा, तो यही आपका डेवलप करेगा। तो आप लगातार जब आप 15 से 20 बार कर लेंगे तब करना है दूसरा स्टेप। और दूसरा स्टेप में इस बार छतिया में टच करेंगे। देखिए ऐसे 1 2 बस ऐसे, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं कैसे बोलते हैं तेरी बहन के तुर दम तो आप बेटा आ लड़ लेंगे, देख लेंगे तोर बाप को, देख लेंगे तोर माई को, देख लेंगे तोर दादा को, देख लेंगे तोर पुरखानदान को, देख लेंगे भैया तो लड़ाई झगड़ा पाप है, वही तुम्हारा बाप है, उस हमसे नहीं लड़ाई करना है। लड़ना किसे, अपना फ्यूचर से लड़ना है, अपना करियर से लड़ना है, अपना फ्लाइंग पुशअप से लड़ना है। तो क्या करना, छाती टच करना है, इसमें अपने दिखाई किसमें आप में दम है जी, है ना दम। तो ऐसे करिए 1 2 1 2 1 2 और इस टाइम आपका भयंकर स्ट्रेंथ गेन करेगा जी। जो बोला था ना पहला स्टेप पा वे नॉर्मल था, आप इतना लैंडिंग कर रहे थे और इस पर क्या करेंगे, आप इतना जगह से लैंडिंग करेंगे तो आपका इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा। तो कौन बढ़ाएगा, आपका ये बढ़ाएगा। तो साथ में शोल्डर की एक्सरसाइज भी ऐड कर लीजिएगा, जैसे आप इटल ले लीजिए और ऐसे करके होल्ड रखिए, ठीक है, आगे होल्ड रखिए, ऐसे करके होल्ड रखिए, थोड़ा सा क्रंचेस कर लिए, थोड़ा सा एल सीट की प्रैक्टिस कर लिए, जिससे क्या होगा आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रिफ्रेंस करेगा। जब आप लगातार इसको भी 5 से प्लस कर लेंगे, फिर करना है तीसरा स्टेप, कौन चीज़ है, हवा को उठाना है, हवा को काटना है। हम लोग करेंगे फ्लाइंग पुशअप वाला पहला चीज़, हम लोग को हवा से बात करना है तो हाथ को सीधा करना, तो हाथ को कैसे सीधा करेंगे, सबसे पहले ऐसे 1 2 ये 1 2 ये 1 2 ये। अब क्या करेंगे, अब दोनों हाथ सीधा 1 2 ये, फिर 1 2 ये। अब क्या करेंगे, इस बार एक पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे, देखिए ऐसे 1 2 ये 1 2 ये 1 2 ये। फीलिंग करिए कि सलाम उड़ रहा है, सबसे पहले अपना इनपुट में डालिए कि सलाह आज हमको फ्लाइंग पुशअप सीखना है, सीखना है कैसे। आप जब जाते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो पहले ही मन सोच लेते हैं, लड़की कितना अच्छा है, बाप काश हमको मिल जाती है तो हम ऐसे करते वैसे करते सोचते हैं कि ना जी। और जब उसको कोशिश कर देते तो आपको सही में वो पड़ जाती है। तो इसी तरीके से आपको भी कोशिश करना है, ठीक है। तो इसको तब तक करना जब आप लगातार ऐसा दो बार ना कर सके, 1 2 ये 1 2 ये 1 2 ये। और जब आप कर लेंगे तो इस बार क्या करेंगे, दोनों एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे, देखिए झटका, देखिए 1 2 ये 1 2 ये 1 2 ये। देख रहे हैं मेरा मुंह बच रहा है बार बार, कैसे बच रहा है, क्योंकि अपना एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लिया। क्यों रिस्पॉन्स, अपना बॉडी को थोड़ा चीता बना दिया, ऐसे करना। अगर आपका बॉडी में फुर्ती नहीं रहेगा ना तो हाथ आपका जमीन में नहीं पटकाएगा, कहाँ पटकाएगा, आपका मुंह पटकाएगा, ये हो जाएगा लिपस्टिक जैसा लाल, सब आपको बोलेगा लड़की बन गई तू रे, प्रैक्टिस करे गली रे, कोचिंग कर ले रे। तो उस सब गाली सुनने से अच्छा है किसे इस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जो आप इसको कर लेंगे फिर करना है चौथा स्टेप, बुलाना है अपना डार्लो को, इधर अरे डार्लिंग इधर आओ। इसको बार बार समझाते गए तू मेरे साथ रहो, चल जाता बार बार लड़कीबाजी करने के लिए, कहा बोले। देखिए क्या करना, ऐसे करके इसको रखो पीछे। और ये जो स्टेप बताने वाले हैं कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा, ये गारंटी 2000% गारंटी के साथ करें, क्योंकि यूट्यूबर हुआ तो कट एंड कॉपी एंड पेस्ट करता है ना। अरे यार कुछ बोलो, चलो इसको पकड़ो यहाँ, अब इसको पकड़ो, हाँ चलो पकड़ो दोनों हाथ से, हाँ पकड़ लिया। अब यहाँ से 3 गिनना, 1 2 3, चलो 1 2 3।
अब तुम ज्यादा ताकत लगा रहा है, अब तुमको ताकत लगाना है 50%, ठीक है। 1, 2, 3, अब तुमको लगाना है 40%, चलो 1, 2, 3, अब तुमको लगाना है 30%, 1, 2, 3, अब तुमको लगाना है 20%, 1, 2, 3, अब तुमको लगाना है 10%, 1, 2, 3, अब तुमको लगाना है 0%, खाली नाम को तो टच करना, 1, 2, 3, अब बोला तेरी बेटी के भाई ऐसे भाग भाग सला भाग, दोस्त को मार दीजिए दम बैठा के, अब उसको भगा दीजिए, कब जब आपका प्रैक्टिस सही हो जाएगा तब। और इतना जल्दी हम बताएं भैया, लेकिन इतना जल्दी आपको नहीं घटाना है, एटलीस्ट आपको 10 दिन लगाना है, ठीक है, डे बाई डे घटाना है, जो आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे साला हम दोस्त के बिना कर सकते, इतना मेरा में स्ट्रेंथ आ गया, इतना मेरा में कॉन्फिडेंस आ गया ना कि फलाएँ को सब कर लेंगे, तब करना फाइनल स्टेप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। लेकिन इसको कैसे करना वो देख लीजिए, देखिए आपका तो पूरा मसल कनेक्शन, माइंड कनेक्शन, सब कनेक्शन मिल गया, अब क्या करना है सेटिंग करना, कौन सेटिंग, माइंड का, 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है, 3 बार, 1, 2, 3, बस आपका फ्लाइंग पुशअप हो गया। और अगर आप इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहे ना, तो इसका भी आप चीटिंग कर सकते हैं जी, इसमें भी आप थोड़ा सा प्रिफ्रेंस ले सकते हैं, का चीज़ का, टंगड़िया के, देखिए ऐसे करना है और एक टंगड़ी वाग लाना है, 1, 2, 3 ऐसे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे करके करना है, आपका फ्लाइंग पुशअप हो गया। ज़्यादा मेहनत नहीं है, मेहनत कब है जो आप फकैती करेंगे तब, अगर आप पर डे 1 घंटा दे देते हैं ना, तो आने वाला 15 से 20 दिन के अंदर आप फ्लाइंग पुशअप कर लेंगे। तो आई होप जो चीज़ समझाने की कोशिश की है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अभी भी किस तरह कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लगता है कि हाँ भैया इस वीडियो से हम कुछ सीखे तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।